वालों को ये चीज समझनी चाहिए कि मोदी और अमित शाह किस हद तक गलत है, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। सोचते नहीं है, इसको लात मारते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिक और बहुत ज्यादा कम्युनल एनर्जी है। इसलिए इसका विरोध करा जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक कंट्री जो अपने सिटीजंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, जो औरतों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को नहीं रोक पा रही है, मुसलमानों और दलितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, वो क्या करे? वो अब बात कर रहे हैं किसी और कंट्री की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में। ये बताइए, ये बिल्कुल एक बड़ा शैम है, बहुत बड़ा धोखा है। इट्स जस्ट अ यू नो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अटैकिंग इंडियन मुस्लिम्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि आपने अमित शाह का बयान नहीं सुना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो कहा है कि मतलब उसमें नहीं, वो कहते तो बहुत कुछ। वो तो ये भी कह रहे थे कि आर्टिकल 370 को हटाने के पहले कि कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। कितना डेवलपमेंट हो रहा है हम देख रहे हैं, 4 महीने से हमारा इंटरनेट बंद पड़ा है। तो उनके कहने की, उनके आश्वासन पे तो हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तो एक बीबीसी की खबर थी कि अमेरिका का जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, उसने सिफारिश की है कि मोदी और अमित शाह, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित उनकी पूरी कैबिनेट को अमेरिका में आने के लिए पाबंदी लगा दिया। इसके बराबर क्या करना? आई थिंक ये देश के लिए क्या, ये तो देश वालों को समझना चाहिए कि कोई और कंट्री उनके ऊपर ये लगा रही है, मना करिए। देश वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मोदी और अमित शाह किस हद तक गलत है, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि किसी और कंट्री के लोग। ऑब्वियसली वो उठा रहे हैं, तो आई थिंक ये अच्छी बात है। मे भी रियलाइज हो लोगों को कि मोदी और अमित शाह कहीं गलत हैं। कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, इसको समझते हैं आप देश के लिए, देश के सोशल फैब्रिक के लिए, सोशल फैब्रिक तो वो ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं। हम देख रहे हैं क्या माहौल बन चुका है इंडिया में। कहते हैं ना कि इतना नफरत, इतनी नफरत फैल गई लोगों के बीच में, लोग अंधों की तरह सीएबी को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग बाबरी मस्जिद ले लो, कश्मीर ले लो, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको। लोग ये नहीं सोच रहे, लोग ये डिमांड नहीं कर रहे कि उनको एम्प्लॉयमेंट दो, कंट्री की इकोनॉमी को ये करो। लोगों को क्या खुशी हो रही कि वाह वाह देखो हमारा हिंदू राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा। तो फैब्रिक तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। इंडिया तो कभी कोई हिंदू राष्ट्र था नहीं, इंडिया तो सेक्युलर कंट्री थी ना। जैसे आपने कहा कि लोग सोचते हैं, तो जब लोग सोच रहे हैं, तो अगर सरकार लोगों की जो इच्छा है उसको पूरा करने की कोशिश करती है, और हिंदू राष्ट्र इस देश की एक मेजोरिटी, जो एक आइडियोलॉजी है पूरी हिंदू राष्ट्र की तरफ है, इसमें क्या बुराई नजर आती है? आप ये बताइए, लोग जो सोच रहे हैं, वो जो एक नैरेटिव है, वो प्रोपेगेंडा की वजह से भी तो चला है, वो भी तो बीजेपी ने ही फॉर्म किया है ना, जो प्रोपेगेंडा चला के उनका एक व्यू, उनका एक कहते हैं ना कलेक्टिव कॉन्शियंस पूरा बिल्ड किया गया है ना, वो भी बीजेपी ने ही किया है। और नॉट एवरीवन इज कम्युनल ना, मतलब हर कोई तो कम्युनल है नहीं इंडिया में, बहुत लोग हैं ऑब्वियसली, लेकिन हर कोई तो नहीं है।